तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से। तो ना आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए लेट हो गई हूँ क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना गाँव में, हमारे यहाँ क्या हर गाँव में आजकल घास वगैरह का सीजन चल रहा होता है। तो ये जो हरा घास होता है ना, ये आजकल ज़्यादा लगता है जानवरों को, तो लेट हो जाते हैं, फ्री होते होते ना लेट हो ही जाते हैं, तकरीबन 11-12 तो बज ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर घर आके उमस लगी होती है ना, तो घर आके नहाना होता है, कपड़े वगैरह धोने होते हैं, साफ़ सफाई, किचन का काम, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी वजह से ना लेट हो जाते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी गांव की सड़क के पास क्योंकि वहाँ पर महिला मंडल की मीटिंग होने वाली है, तो उसके लिए बुलाया है, देखते हैं क्या क्या होगा। तो हमारे यहाँ पर ना मेला होता है, साइगलू में मेला होता है अभी, तो वो होता है, ये लगा है सावन का महीना ना, तो वो होता है भाद्रो महीने के 1 तारीख को, ये जो हिंदी का भादो महीना होता है ना, तो इसकी 1 तारीख को होता है। तो शायद उसकी तैयारियां भी करनी होगी और हम महिला मंडल में ना 20-20 रुपये जमा करते हैं अपने पॉकेट मनी से, गांव की महिलाएं, तो उसकी लिए भी जा रहे हैं। और ना मैं जाते जाते वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरी सांस जो है ना वो कंट्रोल में ही नहीं आती है। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे। और मेरे साथ ना अर्जुन भी आ रहा था, लेकिन उसको ये था कि मैं साइकिल लेके जाऊंगा सड़क में, तो अगर साइकिल लेके जानी है तो वो बाया बाया आना पड़ेगा उसको, बाया बाया जाके ना, तो बहुत घुमा फिरा के लानी पड़ेगी साइकिल, नहीं तो सिर में उठा के लानी पड़ेगी। तो ऐसा कह रहा था कि मैं साइकिल लेके ही जाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया, तो उसकी वजह से वो रूठ गया है। दोस्तों हमारे गाँव के रास्ते ना कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ वाले हैं, ये ना पक्के नहीं हुए हैं अभी। और दोस्तों ना मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना आज घास भी आधा ही काटा है। वैसे मैं 3 गडोलू लेके आती थी ना, तो आज 2 ही लेके आई हूँ क्योंकि ना टांगों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से नीचे हो रहा है मुझे दर्द, यहाँ से नीचे और यहाँ तक इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है सड़क तक। अब सड़क में जाना भी ना मजबूरी है, अगर नहीं जाऊँगी तो सब गुस्सा करेंगी, तो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ना सड़क में कोई भी महिलाएँ नहीं आई है, तो अब मुझे भी थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है ना कि अर्जुन ना मुँह फुला के बैठ गया है घर में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसकी साइकिल को ना अपने सिर में उठा के ले आती हूँ क्योंकि सड़क तो उधर जाके है, उधर उस पहाड़ी में जाके है सड़क, वहाँ से घुमा फिरा के लानी पड़ेगी साइकिल। तो अब इतना दूर तो कैसे जाएंगे ना, तो मैं यहाँ से ही लेके आऊँगी साइकिल, उठा के लेके आती हूँ सिर में, है ना, बहुत नीचे से लेके आनी पड़ेगी। पर क्या करें, अब अर्जुन को भी ये लगी है कि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, हो ही गई है, बस आज और कल का दिन ही है। वैसे तो कल बुलाया है स्कूल ना, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ 1 तारीख से ही उसको स्कूल भेजूँगी। तो चलो मैं लेके आती हूँ साइकिल को, लगी तो मेरी टांगों में है दर्द ना, पर क्या करें, बच्चों के लिए ना करना पड़ता है, का दिल तो माँ का ही होता है ना, क्यों ऐसे ही निराश करना है ऐसे बेटे को ना। चलो लेके आती हूँ मैं, एकदम खुश हो जाएगा कि मम्मी ना मेरी साइकिल को लेके सड़क में जा रही है। तो वैसे ना मैं उधर ऊपर पहुँच गई थी, सड़क वो है ऊपर, उधर पहुँच ही गई थी मैं, लेकिन अभी मैंने महिलाओं को फ़ोन किया तो कोई नहीं आई थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं अर्जुन की साइकिल ही लेके आ जाती हूँ सड़क में। हमारी मीटिंग जो होती है ना, ये लगभग 1-2 घंटे की तो होती है, तो तब तक ना अर्जुन भी जी भर के साइकिल जो है अपनी सड़क में चला लेगा ना, तो दोनों काम हो जाएंगे फिर। तो दोस्तों ये रहे, अर्जुन ने ना साइकिल को बाहर ले आया है,
और ना जैसे कि मैं आपको कह रही थी, ये ना अंदर बैठ के रो रहा था। देखते हैं बोला कैसे पहुंचाते हैं इसको सड़क में हम। तो दोस्तों मामा ले जा रहे हैं साइकिल और मैं मुंह देख के आया हूँ अभी। मैंने कहा था सड़क सड़क से ले जानी थी, नीचे से मामा नहीं मान रहे। तो हम ना सड़क में पहुंचने ही वाले हैं, ऊपर है अभी सड़क। तो दोस्तों ना कुछ इतना नीचे से लेके आनी पड़ी हमें साइकिल इस उबड़ खाबड़ रास्ते से, और मुझे तो ना सांस ही नहीं आ रही है। और उसको देखो भाग गया, इसको यही पड़ी थी कि मैं कब सड़क में साइकिल लेके जाऊं। देखो उसकी ना यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि अर्जुन रुट गया है, तो मैंने जैसे दरवाजा खोला ना ये रोने लग गया था। और ये देखो देखो इसके नखरे देखो आप, ये क्यों लेके आए गर्म ग्लव्स? पड़ गई दिल को ठंड कब सड़क में पहुंच के है? तो खुद तो साइकिल चला रहा है ना, लेकिन मुझे जो गर्मी लगी है ना, मुझे जो पसीना पड़ा है ना, उसका कुछ नहीं। देखो इसने एक बार नहीं कहा कि मम्मी आज मैं साइकिल में बैठ, ऐसा इसने एक बार भी नहीं कहा। मजाक कर रही हूँ, ये खुद नया नया ड्राइवर है, कहीं गिराया ना मुझे इस पक्की सड़क में। तो बरसात के महीने में ना इतनी दर्द होगी ना हड्डियों में, वो अलग ना। इस वाले मोड़ से भी परे जा चुका है, और ये है हमारा सुंदर सा गाँव। और ये लो आगे अर्जुन भी है, कोई उधर की नहीं, कोई नहीं है। तो ना सबके सब मुझे टाइम से पहले बुला लिया, और सबके सब देखो अपने घर में काम कर रहे हैं। उधर देखो रीता दीदी, देखो उधर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही है। उधर देखो सबके सब अपने घर में, और सबसे पहले ना मैं ही रोड में पहुंची हूँ यहाँ पर। और फिर ये बोलेंगी ना कि अभी तो हमने रुक लेना है, खुद आएंगी लेट सबकी सब। तो दोस्तों अब जाके आई है महिलाएं देखो, और अर्जुन यहाँ पर, और दो ना वहां से आ रही है। अब देखो बिलखते बिलखते हुए, और ये देखो बिलखते बिलखते हुए। तो दोस्तों मैं मीटिंग से आ गई हूँ घर, घर तो नहीं अभी तो मैं गौशाला में आ चुकी हूँ ना। घर में मैंने चाय वगैरह पी, और मीटिंग से मैं लगभग 4 बजे से आ गई थी। तो अब मैं गौशाला में आ गई हूँ, अभी मुझे घास वगैरह डालना है गाय को ना, और थोड़ा सा घास भी काटा है। तो बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी मीटिंग में गई थी ना, अपने गांव की महिलाओं को अपनी वीडियो में नहीं डालती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है अच्छा कैमरे वगैरह में आना तो नहीं लगता है, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। तो पहले पहले डालती थी ना। तो चलो अब बारिश हुई है हमारे यहाँ पर थोड़ी सी, और अभी मुझे घास काटना है ना, अभी मैं गाय का गोबर वगैरह उठाती हूँ, फिर घास मुझे काटना है। तो तब तक 6 भी बज जाएंगे, और मैं गाय का दूध वगैरह निकाल के घर चली जाऊँगी। तो आज मैंने सुबह ना कम ही घास काटा था, क्योंकि मेरी टांगों में दर्द लगी थी। तो दर्द तो अभी भी हो रही है, लेकिन क्या करें, काम है, मजबूरी है। अब गाय वगैरह को भूखा तो नहीं छोड़ते हैं ना, तो इसलिए। तो चलो करती हूँ मैं अपने काम फिर से कंटिन्यू, और मिलती हूँ आपको सीधा घास लाने के बाद ही मिलूंगी। अब तो मैं घास काट के आ गई हूँ, और अब ना मैं आधे रास्ते में बैठ गई हूँ, क्योंकि ना अब घास को गौशाला तक लेके जाने में ना मुझमें हिम्मत नहीं रही है, थक चुकी हूँ मैं। पता नहीं काटने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन उठा के ना लेके जाने में गौशाला तक बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है ना कि अभी मर जाऊंगी। हम गांव की औरतों को तो यही होता है, आधी उम्र ना हमारी घास काटने में और उसको ढोने में ही बीत जाती है, और रही आधी उम्र वो फिर बीमारियों में बीत जाएगी आधी।
कभी टांगों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी सिर में दर्द, ऐसे ही बीत जानी है। हाँ तो चलो लेके जाती हूँ मैं इसको ना, और अभी अंधेरा भी होने वाला है, पूरे 7 बज चुके हैं, और अभी मुझे गोबर भी उठाना है, फिर नहीं मैंने उठाया था ना, और गाय का दूध निकालना है, घास डालना है, तब तक तो पक्का अंधेरा हो जाएगा। तो चलो चलती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों ना मुझे अभी अभी एक गाना याद आया है, मैं सुनाती हूँ आपको, लेकिन आज जज कोई नहीं करेगा, ठीक है, मुझे पता है मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ओ तेरे कम नहीं ओ मुकणे, ओ तेरे कम नहीं ओ मुकणे, तू होया कदी ना बेला ओ बंदिया, तू होया कदी ना बेला ओ बंदिया, सीताराम के भजन नु राधे श्याम के भजन नु ते रखिया केड़िया बेला ओ बंदिया, ते जपिया केड़िया बेला ओ बंदिया, तेरे कम नहीं ओ मुकणे, हो तेरे कम नहीं ओ मुकणे, हो तेरा बचपन बीता, हो तेरा बचपन बीता, हो ते खेला खेल गवाया ओ बंदिया, ते खेला बिच गवाया ओ बंदिया, सीताराम के भजन नु हो राधे श्याम के भजन नु ते रखिया केड़िया बेला ओ बंदिया, ते जपिया केड़िया बेला ओ बंदिया, हो जद आई जवानी, हो जद आई जवानी, लिया फेरा ओ बंदिया, फिर माया ने पा लिया फेरा ओ बंदिया, सीताराम के भजन नु राधे श्याम के भजन नु होते जपिया केड़िया बेला ओ बंदिया, हो तेरे कम नहीं ओ मुकणे, तेरे कम नहीं ओ मुकणे, तू होया कदी ना बेला ओ बंदिया, तू होया कदी ना बेला ओ बंदिया, हो जब आया बुढ़ापा, जद आया बुढ़ापा, ते फिर रोगा ने पा लिया फेरा ओ बंदिया, फिर रोगा ने पा लिया फेरा ओ बंदिया, सीताराम के भजन नु राधे श्याम के भजन नु रखिया केड़िया बेला ओ बंदिया, ते जपिया केड़िया बेला ओ बंदिया। तो दोस्तों जज कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला था, अब मेरा अच्छा इतना अच्छा गला नहीं है मेरा, ठीक है। तो इस भजन की ये बात है ना कि काम तो कभी नहीं मुकते दोस्तों, इंसान जो है खत्म हो जाता है,
तो उसके मरने के बाद भी काम चले रहते हैं जब इंसान मर जाता है, ठीक है। तो अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया है ना, तो फिर आपने कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने भगवान का नाम लिया है तो वो अगले जन्म में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ना कभी कभार टाइम निकाल के भगवान का नाम जो है ले लिया करो, ठीक है। जैसे आप खाने के लिए वक्त निकालते हो, नहाने के लिए वक्त निकालते हो, या वहाँ जाने के लिए वक्त निकालते हो, ठीक है, वैसे भगवान के नाम जपने के लिए भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समय निकाल दिया करो, ठीक है। तो दोस्तों तब तक हमारी गाड़ी भी आ चुकी है 7 बजे की, ये रही। और इसमें ना एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, बस दो ही सवारियां हैं इसमें, ड्राइवर और कंडक्टर, बाकी कोई नहीं है, खाली है पूरी बस। तो ये रही, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, बस दो ही इंसान बैठे हैं इसमें बस।